मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के लिए चुनावी सभा की, कई बड़े घोषणाएं की, महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष जो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है वो 4 जून को झोला लेकर पाकिस्तान चला जाए, वहां भीख मांगे। कृपाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। अब की बार 400 पार का नारा पूरा गूंज रहा था चुनावी सभा में, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि खास करके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिर्फ 143 आएंगी, 400 तो आप हार रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 350 इंडिया गठबंधन आ रहा है, क्या आकलन है? मुझे लगता है 2014 में भी यही बात कही थी, 2019 में भी यही बात कही है, वही बात 2024 कर रहे हैं। ये तो देश की जनता उनको 4 तारीख को बताएगी कि आपने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था। जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान का नाम लेने वाले या पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है, वो 4 जून के बाद झोला लेकर पाकिस्तान जाएं। उसका बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में रह करके वो पाकिस्तान जो हमेशा बुरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देखता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद करने के कभी आतंक की तरफ करता है, उस पाकिस्तान की हिमायत करने वाले लोग ये कह रहे हैं। आदरणीय योगी जी ने कहा, किस लिए कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पास एटम बम है, बड़ा बम है, आप जो है उसको छेड़ो मत। अरे पाकिस्तान एटम बम में कौन कर रहा है? हिंदुस्तानी कर रहा है, कौन कर रहा है? पॉलिटिकल आदमी कह रहा है। मुझे लगता है कि अगर होता उसके बाद जो कुछ, तो जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ जवान मारे गए, इसके बाद बालाकोट में जो हमारे सैनिक और अपना हवाई सैनिक ने आतंकवादी के अड्डे को ध्वस्त किया, मतलब पाकिस्तान में घुस के मारा, तब कहाँ था उसका एटम बम? ये हिंदुस्तान के लोग इस ढंग की बात करते, बड़ा दुख होता है। जैसे आर्टिकल 370 हटाए जाने बाद जो लोग विरोध किए, बार बार हिमायती है उनके, इसलिए मन लगता है कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे साथ जयवीर सिंह हैं जो कि मैनपुरी से भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी ने मन से एक महत्वपूर्ण बात कही कि विरासत टैक्स की तुलना उन्होंने औरंगजेब के जजिया टैक्स से की। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये बात कही थी कि वेल्थ टैक्स और विरासत टैक्स हिंदुस्तान पर अमेरिका पैटर्न पर लागू होना चाहिए। वो निश्चित रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री का आज कहना था उसी को दोहराने का काम था कि हमारा विरासत टैक्स लगा के हम लोगों की जो पूर्वजों की संपत्ति पे टैक्स लगा के वो उन हाथों में देना चाहते हैं जो धर्म के आधार पर निश्चित रूप से देश के बंटवारे में जिन्होंने काम किया, जिनकी मानसिकता एक तुष्टिकरण की है, जिनकी मानसिकता देश के खिलाफ रही है, जिनकी मानसिकता पाकिस्तान परस्त रही है, ऐसे लोगों की जो मानसिकता उसको उजागर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने मन से किया है। मेरा मानना है क्या जिस तरीके से देश ने हर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास लिखने का काम किया है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, हमारी इकोनॉमी का मामला हो, या अन्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, या हमारी विरासत को संरक्षित करते हुए विकास के रास्ते का मामला हो, इसमें नया एक क्रांति देने का काम, क्रांतिकारी कदम उठाने का काम और देश को परम वैभव ऊंचाइयों पर ले जाने का काम 10 साल में हुआ है। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि जनता ने भी तीसरी बार मोदी जी को देश का नेतृत्व देने का मन बना लिया है और इस बार 400 पार कराने का पान देश में और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का मन, जिताने का मन जनता ने बनाने का कर लिया है। और मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं कि हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से 400 सीटें पा करके तीसरी बार देश का नेतृत्व मोदी जी करने जा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, महिला सांसद हैं। राज्यसभा में ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनका घटनाक्रम बहुत सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्या कहना चाहेंगे? ये उनका दोहरा चरित्र है, महिला वो भी राज्यसभा सांसद के साथ उनके घर में इतना गंदा दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद भी वो लोग छुपा रहे हैं उसको। अगर वो राज्यसभा के सांसद के साथ उनका ये व्यवहार है तो आम महिलाओं के साथ उनका क्या दुर्व्यवहार होगा, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो बार बार कहते हैं कि महिला के हिमायती हैं। महिला के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने महिलाओं को जो सुशासन दिया है उनको तो हमारी नकल करनी चाहिए, उनको तो हमारा अनुसरण करना चाहिए, लेकिन उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुकृत्य किया है, उनकी मैं बहुत निंदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कृपाशंकर सिंह के प्रचार के लिए जौनपुर में डटे हुए हैं और विश्वास जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे साथ रमेश चंद मिश्रा हैं जो कि बदलापुर क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, जौनपुर की लोकसभा सीट के अंतर्गत जो आपका क्षेत्र आता है, आप वहां से विधायक हैं। जमीनी हकीकत क्या देखते हैं, कास्ट फैक्टर कितना मायने रखता है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातीय समीकरण तो नहीं निकाल सकते?
देखिए ऐसा है, जो मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नारा ही नहीं है, वो जमीन की हकीकत है। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2 बार विधायक रहा हूं, कभी मेरी चुनावी सभा यादव वर्ग ने नहीं लिया, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अभी तक कम से कम ऐसे 20 गांव यादव बस्तियों में सभा कर चुका हूं और वहां अच्छी सभा हो रही है। वही हम लोग सभा की जो है देखते हुए भीड़ को आज जो है अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं, तो आप कहने का मतलब समझिए हमारी बात। हर वर्ग भाजपा को वोट दे रहा है और हमें ऐसा लगता है कि जाति पाति ये सब समाप्त होगा, अब अबकी बार कृपा शंकर की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ऐसे वाक्य कहेंगे कि इंडिया के गठबंधन की सरकार आई तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को आपकी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, तब तो ऐसे पे तो ध्रुवीकरण होने लगेगा। देखिए ऐसा है कि मैं इतना जानता हूं कि वोटों का देखिए क्या है, जो मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और रख करके उसको साबित करते हैं और गारंटी लेते हैं कि इस चीज के लिए मोदी की गारंटी है, मैं समझता हूं पूरे देश की जनता 140 करोड़ नागरिक यह मन बना लिया है कि हमको मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें कोई इब्बट नहीं है, कोई ध्रुवीकरण की बात करे या कोई किसी की बात करे, पीडीए की बात करे, अब अगड़ा पिछड़ा की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, भाई 10 साल मोदी जी की सरकार रह चुकी है, न उन्होंने संविधान खत्म किया, न उन्होंने आरक्षण खत्म किया, बल्कि तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन किया, एससी एसटी का अधिकार उन्होंने दिलवाया। तो मैं तो समझता हूँ जो लोग ये लोग आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को अगर देखें तो मोदी जी के ऊपर कदापि वो आरोप बनता ही नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, आप विकास की बात करो, मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या नहीं किया है, आवास से लेकर शौचालय से लेकर इलाज के पैसे से लेकर खेती के पैसे से लेकर के हर घर बिजली हर घर पानी, क्या नहीं किया मोदी जी ने, सब कुछ किया है। ये विपक्ष मुद्दा विहीन है और मुद्दा विहीन के नाते सब फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी आए बाएं साए बक रहे हैं, ये जो है कदापि ये डिस्टर्ब हो चुके। बिल्कुल, तो भाजपा के नेताओं को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, जौनपुर।